अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर रही है और आज ही उनकी आने वाली फिल्म भोला का टीजर रिलीज हुआ है। जैसे ही टीजर रिलीज हुआ उसके बाद लोग केती फिल्म को सर्च करने लगे हैं। क्या आप जानते हैं अजय देवगन की भोला और केती फिल्म के बीच के कनेक्शन के बारे में? तो चलिए क्या आप जानते हैं शो में आज इसी पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजय देवगन की भोला फिल्म की टीजर के बारे में। इसका मोशन पोस्टर कल ही रिलीज किया गया और अब इसका टीजर भी आ चुका है, जिसे देखकर लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। इस टीजर में आपको अजय देवगन का एक नया लुक, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और कमाल की कहानी का एक टीज मिलेगा। साथ ही इस टीजर के जरिए आपको अजय का एक एक्शन अवतार भी नजर आएगा। इस फिल्म में अजय देवगन ने शिव भक्त का किरदार निभाया है। साथ ही आपको बता दें इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा तब्बू नजर आएगी। ये फिल्म 30 मार्च 2023 को रिलीज होगी। जैसे ही भोला फिल्म का टीजर रिलीज हुआ उसके बाद लोग सोशल मीडिया पर केती फिल्म को सर्च करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि भोला फिल्म साउथ की केती फिल्म की रीमेक है। केती फिल्म 2019 में रिलीज हुई और उस साल की साउथ की बेस्ट फिल्मों में केती फिल्म शामिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि अजय देवगन की भोला की कहानी हूबहू केती फिल्म जैसी है। जिन लोगों ने केती फिल्म देखी है उनका मानना है कि केती फिल्म को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केती फिल्म की कहानी ज़रूर अच्छी होगी लेकिन अजय देवगन और तब्बू की दमदार एक्टिंग इस फिल्म को और बेहतर बना देगी। और साथ ही आपको बता दूं केती फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप देखते हैं तो इंडियन फिल्म हिस्ट्री पर ज़रूर इसका रिव्यू दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।